उसके बाद इकराए ताम, इकराए ताम किसी शख्स को या उसकी वाइफ को या उस औरत के हस्बैंड को, मतलब कुछ भी हो सकता है, स्पाउसेस है ठीक है, और एनी ऑफ हिज ब्लड रिलेशन या उस शख्स के कोई खूनी रिश्ता हो जिसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती, उसको कत्ल करने की धमकी देकर कोई काम आपसे करवाया जाए या उसके साथ जिना में जबर करने की धमकी देकर आपसे कोई काम करवाया जाए, मतलब तो उसको मेरा कोई बनता है बनी है कोई बंदा मुझसे उसके उसमें हाँ हाँ मतलब कि किसी भी ब्लड रिलेशन को ठीक है या किसी स्पाउसेस को, मतलब हस्बैंड है उसकी वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड को, उसको कहना है कि हम इसको कत्ल कर दें, मतलब पहले ये कत्ल, दूसरा क्या हम इसके लिए बाजू काट देंगे तो नहीं कहने के, एंड थर्ड वन इसके साथ जनाब जबर या सड़ो की हो सकती है, अगर आप जो 377 में जो बयान की गई किसी के साथ जो जनाकारी वो भी इसी में आएगी। तो इस सिचुएशन में अगर किसी ब्लड रिलेशन में रहकर किसी को काम किया जाए, मिसाल असर कहते हैं ना भाई को कहते हैं ये तुम करो और ना तुम्हारे घर बहन से ये जना कर देंगे, कहते हैं जना पे जबर ही होगी क्योंकि वो कॉन्सेंट तो नहीं देगी आपके, तो कहने का मकसद है इन तमाम सिचुएशन को क्या कहेंगे, इकराए ताम। और इसमें एक और चीज़ देखें, अगर मिसाल के तौर पर हस्बैंड है तो उसको कहते हैं करो वरना तुम्हारी वाइफ के साथ इस तरह करते हैं, फिर भी क्योंकि स्पाउस लफ्ज़ यूज़ हो गया ठीक है, तो एक तो स्पाउस आ गया उसके अलावा एनी ऑफ हिज ब्लड रिलेशन, उसका कोई भी ब्लड रिलेशन। अब आगे आ जाए इकराए नाकस, ये उससे कम दर्जे का है, इसमें कहते हैं जो एनी फॉर्म ऑफ ड्यूरेसिटी डज नॉट अमाउंट टू इकराए ताम, जिसमें इकराए ताम ना आए, जिसमें आपको ज़्यादा थ्रेट ना हो या जिसमें कोई भी किसी शख्स कोई थ्रेट आपको दी जाए कि फलां शख्स हम इस तरह करेंगे तो इकराए नाकस, मतलब ये उससे कम दर्जे, इकराए ताम क्या है ज़्यादा दर्जा, इकराए नाकस। अब ये आपको क्यों बताया जा रहा है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ कत्ल इंसान ने इकराए ताम में किए होंगे, मतलब किसी की बहन को ज़बरदस्ती उठा के लेंगे जाके कहेंगे हम इसके साथ जनाब कर देंगे अगर तुम्हें सुना मारा, अब एक बंदा मजबूरी अगर ये करता है तो उसकी सजा क्या होगी, ये कुछ चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी।